दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका नर्व सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, आपकी नसों में ब्लॉकेज आ रही है, नसों में ऐठन आ रही है, नसों में खिंचाव हो रहा है, आपको नसों में दर्द रहता है जिसके कारण आपकी मसल पेन हो रहा है, आपकी पिंडलियों में दर्द रहता है, आपकी टांगों में दर्द रहता है और आपको इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा कि आप क्या करें, आपको मैं एक चीज बताती हूँ। जब भी हम गलत खाना खाते हैं तो वो खाना जब पचता है तो उस पचे हुए खाने में से अमल बनता है। अगर हम सही खाना खाते हैं तो उसमें से पोषक तत्व हमें मिलते हैं जो हमारी बॉडी के सभी सेल्स को एनर्जी देने का काम करते हैं। हमारे शरीर को भगवान ने बनाया है फल और सब्जियां खाने के लिए। अगर हम उसमें ऑयली फूड, जंक फूड, ये चीजों को ऐड कर देंगे तो हमारी बॉडी कब तक चलेगी, वो कब तक तंदुरुस्त रह पाएगी। उसी हिसाब से अगर हम गलत खाना खाते हैं तो उस बचे हुए खाने में से अमल बनता है। एक दिन में ऐसा नहीं होता, एक दिन अगर हम गलत खाना खाते हैं, एक दिन अगर हमारे शरीर के अंदर अमल ज्यादा बनता है तो उससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, ये जान लीजिए। लेकिन अगर हमारा शेड्यूल रोजाना का ऐसा ही है कि हम गलत फास्ट फूड, ऑयली फूड यही खा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दोस्तों क्या बनता है, वो अमल जो है हमारे खून में घुलने लगता है। वो अमल आखिर बैठेगा कहाँ पर, जहाँ भी उसे दीवार मिलेगी वहां पर वो चिपक जाएगा और बनेगा, फिर वहां चिपक जाएगा। चिपकता कहाँ है, ये हमारी धमनियों में चिपक जाता है, हमारी आर्टरीज में चिपक जाता है, जो कि बुरे कोलेस्ट्रॉल का रूप धारण कर लेता है और हमारी नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाती है, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका हल क्या किया जाए, यानी नसों की ब्लॉकेज को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले तो आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, जो नाड़ियों को साफ करने का, धमनियों को साफ करने का काम करती है। तो आप अनुलोम विलोम करिए। इसके अलावा आपने अपने खून को गाढ़ा नहीं होने देना, खून को साफ करना है। आपने ऑयली फूड, जंक फूड तो छोड़ना ही है, ये नहीं है कि ऑयली फूड और जंक फूड तो ऐसे रनिंग में ही रहेगा, इलाज हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों वो ऑयली फूड तो आपको छोड़ना ही होगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीजें बता रही हूँ जिसके द्वारा हम अपनी नसों की ब्लॉकेज को, ऐठन को दूर कर सकते हैं, पिंडलियों में होने वाले दर्द, नसों में होने वाले दर्द या उनकी कमजोरी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों अनार, अनार के जूस के अंदर फाइटोकेमिकल होते हैं जो धमनियों में ब्लॉकेज आ जाती है, ये फाइटोकेमिकल्स उन्हें कमजोर करके बाहर करने का काम करते हैं, उस बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का काम करते हैं, ब्लॉकेज को बाहर करने का काम करते हैं। तो आप रोजाना का रोजाना सिर्फ एक से डेढ़ अनार का जूस पी लीजिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे क्या हम अनार खा सकते हैं, तो आप अनार खा सकते हैं, वो जूस भी आपके अंदर जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए कि वो बीज आपने अंदर नहीं निगलने। दूसरी चीज लहसुन, लहसुन के अंदर एलिसिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। एलिसिन का काम ही है हमारे खून को पतला करना और रक्त वाहिनियों को चौड़ा करना, जिससे धमनियां साफ हो सके, क्लीन हो सके। तीसरी चीज है अलसी। दोस्तों अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है जो बंद धमनियों को खोलने का काम करता है। अलसी का सेवन आपने कैसे करना है, कभी भी अलसी को एज ए बीज ऐसे ही चबाकर नहीं खाइए। आप हमेशा ही अलसी को रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए, उसके बाद आप इसे ठंडा कर दीजिए। ठंडा करके पाउडर बनाकर रख लीजिए सिर्फ एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के बाद आपको दोबारा नया बनाना पड़ेगा। एक हफ्ते से ज्यादा आपने इसे स्टोर करके नहीं रखना। एक चम्मच रोजाना आप दूध के अंदर बॉइल करके इसे लीजिए रात के टाइम। ऐसा करने से आपके अंदर जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड बढ़ जाएगा, जो कि बंद धमनियों को खोलने का काम करेगा। दोस्तों हल्दी बहुत आराम से हमारे घरों में मिल जाती है। हल्दी, हल्दी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में करक्यूमिन होता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है। यह हमारे खून को जमने नहीं देती, खून को गाढ़ा नहीं होने देती। दोस्तों हल्दी का इस्तेमाल वैसे तो हम सब्जियों में करते हैं, फिर तो हमें ये समस्या हो ही नहीं सकती, पर प्रॉब्लम यह है कि समस्या तो फिर भी हो रही है। इसका मतलब कहाँ है, मतलब यही है कि जो पक गई हल्दी उसके फायदे खत्म हो गए। दोस्तों हमेशा कच्ची हल्दी ही फायदेमंद होती है। तो आप क्या करिए, एक गिलास गरम दूध ले लीजिए, उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐसे ही मिक्स करके पी लीजिए। दूध को उबालिएगा नहीं। अगर आप दूध नहीं पीना चाहते तो ऐसे ही गरम पानी ले लीजिए और उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी मिक्स करके पी लीजिए। इस तरीके से पियेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अदरक की। अब लोग कहेंगे कि अदरक तो हम रोजाना चाय में पीते हैं, फिर हमें ये समस्या क्यों होती है। दोस्तों चाय में अगर आप अदरक, तुलसी, काली मिर्च कुछ भी डाल के पी रहे हैं तो उसके आपको सच में कोई फायदे नहीं मिल सकते।
क्योंकि जो उसके अंदर आपने चाय पत्ती डाल दी ना, उन सभी औषधियों को खत्म कर देती है। उसके अंदर जो चाय पत्ती है उसके अंदर कैफीन होता है जो बाकियों के असर को खत्म करने का ही काम करती है। हाँ, उनकी खुशबू उनका स्वाद आपको जरूर मिल जाता है चाय में, लेकिन उसके जो औषधीय गुण है बाकी चीजों के, हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी, उनके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। तो आपने अदरक का सेवन कैसे करना है दोस्तों, आप एक गिलास गर्म पानी ले लीजिए, उसके अंदर एक चम्मच अदरक का रस मिक्स करके इस तरीके से आप पीजिए। यह नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए एक औषधि की तरह ही काम करता है। दोस्तों, आपके अंदर नसों में ब्लॉकेज आ रही है, नसों में ऐठन आ रही है, जिसके कारण पिंडलियों में दर्द हो रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ लोगों की ये डिस्क को भी प्रभावित कर देता है, नर्व सिस्टम जो होता है, जिसके कारण साइटिका का दर्द होने लगता है, पूरी टांग में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको चीजें बताई, आपको मैंने अनार बताया है, लहसुन, अलसी, हल्दी, अदरक, इनका सेवन साइटिका पेन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। बस एक चीज बता देती हूँ, ये कंप्लीट साइटिका का ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि साइटिका का अगर आपने कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज जरूर करनी होगी, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। पेन किलर का काम तो ये तीनों चारों चीजें कर देंगी। हाँ, आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। एक्सरसाइज क्या करेगा, आपके मसल में लचीलापन लाएगा, जो ऐठन आ चुकी है उसको दूर करेगा। जब आपकी बॉडी लचीलापन आ जाएगा तो ये साइटिका की प्रॉब्लम तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, एक्सरसाइज कौन सी करनी होगी साइटिका में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की है, थोड़ा सा फायदा अगर आपको हुआ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।